नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट वाउचर की किस तरह एंट्री की जाती है और पेमेंट वाउचर क्या होता है। देखिए दोस्तों, पेमेंट वाउचर का मैंने एक वर्ड में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। देखिए, पेमेंट वाउचर वो वाउचर होता है, और नाम तो समझ में आ रहा है, जिसके अंदर किसी खर्चे की पेमेंट की जाती है, किसी एक्सपेंस या पार्टी को पेमेंट की जाती है। तो देखिए, अधिकतर जो एंट्रीज में पेमेंट वाउचर में होता है वो ये होता है कि जो भी खर्चा होता है वो आपका DR होता है, और जो आपका कैश है बैंक से जिससे आप पेमेंट करेंगे वो आपका CR होता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो वैसे भी खर्चा बढ़ता है, तो क्या होता है, DR होता है। और अगर हम कैश और बैंक से अगर कोई पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश और बैंक का बैलेंस कम होगा, तो वो क्या होगा, हमारा CR। तो ये रही एंट्री का फॉर्मेट, अधिकतर यही सीन होना है एंट्री में। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। कि ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने चेक इशू किया, टेलीफोन चार्जेस, हम टेलीफोन यूज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट, वो चार्जेस है हमने यूज किए हैं तो उसकी पेमेंट कर रहे हैं हम चेक से। तो देखिए एंट्रीज क्या होगी इसकी, कि टेलीफोन चार्जेस DR होगा 2000 से, और टू बैंक क्या होगा 2000 से CR होगा। तो देखिए ये एंट्री किस तरह पास हो रही है, इसका एक फोटो है हमारे पास। देखिए पेमेंट वाउचर, टेलीफोन चार्जेस DR और HDFC CR। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा एक दो एंट्री पास करते हैं टैली में पेमेंट वाउचर की, जिससे कि ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए दूसरी एंट्री ये है, कैश पेड अगेंस्ट वेजेस। देखिए वेजेस क्या होता है, भत्ता होता है, उसकी हमने कैश में पेमेंट करी 1000 की। अगर हम, अब समझने की बात ये है कि अगर हमने कोई वेजेस की पेमेंट करी है तो कैश हमारे यहाँ से जाएगा तो वो CR होगा, और वेजेस DR। तो चलिए दोस्तों, बैक साइड देखिए, मैंने टैली को ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमारी कंपनी बनी हुई है अनिता नाम की, और हम ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, और इसको जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए F5 दबाया हुआ है, हमने पहले ही खोल रखा था पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर आ गया। अब देखिए एंट्रीज कहती थी कि पेमेंट हमने वेजेस पे किए हैं कैश में, तो वेजेस क्या होंगे, DR। तो देखिए वेजेस का हम पहले सबसे पहले लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे DR में, Alt+C, यहाँ पर लिखेंगे वेजेस, यहाँ जाएंगे अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एंटर करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें डेबिट में अमाउंट डालना है, हमारा क्या अमाउंट था सर, ₹1000 हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, और CR क्या होगा, हमने वेजेस को खर्चे बढ़ गए हमारे, और पेमेंट किस तरह करी, कैश। तो कैश का पहले लेजर बना होता है, यहाँ पर क्या करेंगे 1000 सिलेक्ट, तो ये रही हमारी एंट्री पास। तो यहाँ पर बींग डाल देंगे, बींग वेजेस पेड, दोस्तों हमारी एंट्री पेमेंट वाउचर की। दोस्तों एक और एंट्री देखते हैं इसी में, कैश पेडेड अगेंस्ट कुरियर सर्विस। जैसे कुरियर सर्विस का मतलब हो गया कोई पार्सल करने की कोई सर्विस हमने ली, तो सर्विस ली है तो वो हमारा खर्चा है, उसकी हमें पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो देखिए, तो कुरियर सर्विस क्या होगा, DR, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, और कैश क्या हो गया, CR, क्योंकि हमने कैश से पेमेंट करी। देखिए टैली में किस तरह एंट्री होगी इसकी, देखिए खर्चा बढ़ेगा तो DR होगा, और इसका लेजर बनाने के लिए Alt+C को प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुरियर सर्विसेज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अमाउंट क्या था, इसका अमाउंट था दोस्तों ₹500, ₹500 DR हो गया, और CR क्या हो गया, हमारा कैश, क्योंकि कैश में हमने पेमेंट करी। देखिए अधिकतर इस एंट्रीज में हमें समझ में आ रहा है कि एक्सपेंस हमेशा DR होगा, और कैश आपका हमेशा, और या बैंक आपका क्या होगा, CR होगा, क्योंकि उससे पेमेंट आपकी जाएगी। चलिए दोस्तों एक और एंट्री लेते हैं समझने के लिए, पेड कैश, हमने कैश में पेमेंट करी, मान लेते हैं यहाँ पर हम कैश नहीं लेते, यहाँ पर इस बार लेते हैं बैंक SBI। तो SBI क्या होगा दोस्तों, हमारा बैंक हो गया, तो SBI क्या होगा, हमारा CR, क्योंकि आप इस बार हम क्या कर रहे हैं, बैंक से, हमने कैश में दो एंट्रीज पास करी, इस बार बैंक से करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, कोई ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं तो उसका एक खर्चा आ गया हमारे पास, उसके हमने पेमेंट करी किससे, बैंक से, और बैंक का नाम है SBI, तो SBI हमारा क्या होगा, CR, और ट्रैवलिंग चार्जेस क्या होगा, हमारा DR। तो देखिए टैली में किस तरह एंट्री होगी इसकी, देखिए पेमेंट वाउचर पे हम, खर्चा बढ़ेगा तो DR, तो ट्रैवलिंग चार्जेस क्या, हमारा खर्चा, Alt+C प्रेस करेंगे यहाँ पर, ट्रैवलिंग चार्जेस, और ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यहाँ पर दोस्तों एंटर करेंगे,
ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा कितने का हुआ है, 1500 का। तो 1500 यहाँ पर हम टाइप करेंगे, तो यह रहा हमारा डीआर यानी खर्चे की वैल्यू, और किससे हमने पेमेंट करी है, एसबीआई से। तो बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, तो लेजर क्रिएट करने के लिए वाउचर में और प्लस सी प्रेस करेंगे दोबारा, और एसबीआई ये क्या है हमारा बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा ये अंडर में। अब इसके अंदर पूरी डिटेल्स आ जाएगी जो रिस्पेक्टिव आपको बैंक की दे रखी होगी, उसे फिलअप करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम 1500 रुपये हमने टाइप कर दिया, और यहाँ पर हम नरेशन पास करेंगे। नरेशन हमेशा पास करनी होती है, ये एक तरीके से डिटेल्स होती है कभी फाइंड आउट करने के लिए कि एंट्री किस चक्कर में पास हुई है, किस क्या रीजन से। देखिए दोस्तों, ये री एंट्रीज, ये आशा करता हूँ, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह ये सारी एंट्रीज पास की जाती हैं टैली में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिसीव वाउचर की एंट्रीज। थैंक्स।